हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज खान आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश टॉक में वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड्स, अभी तक के हम जो देख रहे थे प्रेपोजिशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें बहुत सारे प्रेपोजिशंस हमने देखे। अगर आपने नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। अब आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो प्रेपोजिशंस यूज लेकर रहे हैं हम, आज अक्रॉस, ओवर एंड थ्रू। नॉर्मली क्या होता है, तीनों के अंदर बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत क्लोज मीनिंग देते हैं, और जब हम कोई एग्जाम अटेंड करते हैं तो वी फाइंड इट डिफिकल्ट हाउ टू एक्चुअली सॉल्व दोज क्वेश्चंस। सो आज हम वही देखते हैं कि किस तरीके से हम इनको सही और प्रॉपर यूज करें, ताकि हमारे स्कोर्स अच्छे आए, हमारे एग्जामिनेशन में हम पास हो सके, या कुछ हमको लिखना है उस टाइम में हम सही लिख सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अक्रॉस एंड ओवर कैन बोथ बी यूज टू मीन ऑन और द अदर साइड ऑफ अ लाइन, रिवर, रोड, ब्रिज एटसेट्रा। मतलब इसमें यह बताया गया है कि ये अक्रॉस एंड ओवर क्या बताते हैं, ये जो लाइन है ठीक है, इसके अदर साइड यहां पर या इसके ऊपर, ये हमारे को सेंस देते हैं। एक तो अक्रॉस ठीक है, ऑन और ओवर मतलब उस साइड में, ओवर द रोड, रोड के उस साइड, अक्रॉस द फील्ड मतलब पूरे फील्ड में से वो गुजर के जा रहा है, मतलब पास कर रहा है, पैदल जा रहा है ठीक है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज देयर, देयर स्कूल इज जस्ट अक्रॉस और ओवर द बॉर्डर, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बॉर्डर और दिस इज एंड दिस इज द स्कूल, अक्रॉस एंड ओवर, राइट। सो इन दिस सेंस यू कैन यूज अक्रॉस एज वेल एज ओवर इन दिस एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट सी, इफ यू कैन जम्प अक्रॉस ओवर द पडल, यू नो पडल, इन नॉर्मली वॉट हैपन्स इन रेनी सीजन, वाइल गोइंग थ्रू वी फाइंड सो मेनी पॉट होल्स एंड दे गेट वाटर, राइट। सो दे आर कॉल्ड पडल। सो वो जो पानी जमा होता है सड़क पर या आप जा रहे होते हैं, सब पानी जमा होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको जम्प करते हैं ठीक है। तो वो जो जम्प होती है, तो एक तो आप उसके अक्रॉस जम्प करेंगे या उसके ओवर जम्प करेंगे, मतलब इन सेंस में आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, दोनों भी यहाँ पर करेक्ट होंगे, गलत नहीं होंगे ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाई थिंग्स, इस सेंस में या इस सेंस में जब हम हाई थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो कौन से प्रेपोजिशंस लाते हैं। वी यूज ओवर टू से ऑन टू द अदर साइड ऑफ समथिंग हाई, समथिंग हाई। जब आप किसी हाई चीज के बारे में बोल रहे हैं, मतलब जब दो सरफेस आती है, कोई चीज हाई है कुछ लो है, तो उस टाइम में आपको बताना है उसके ऊपर है या उसके अदर साइड है, उस टाइम में आप यहां पर आप सिर्फ ओवर यूज करेंगे, राइट, ना कि अक्रॉस यूज करेंगे। यहां पर क्या था, सरफेस नॉर्मली एक जैसी थी, तो बोथ कैन बी यूज अक्रॉस एंड ओवर सेम सरफेस, बट हियर देयर इज अ चेंज इन अ सरफेस, राइट। सो यहां पर ही इज क्लाइंबिंग ओवर द बिल्डिंग, राइट, क्लाइंबिंग ओवर द बिल्डिंग, दिस इज द सरफेस, दिस इज द अर्थ एंड क्लाइंबिंग ओवर द बिल्डिंग, नॉट अक्रॉस द बिल्डिंग, गॉट इट। सो इन दिस वे जब हाई थिंग्स के बारे में आप बात करते हैं और क्वेश्चंस पेपर में आएगा और सब सरफेस आपको ऊपर नीचे दिखे, तो आप क्या यूज करेंगे, ओवर को यूज करेंगे ठीक है। अब अगला देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ पर हम देखते हैं फ्लैट एरियाज। इसके पहले हमने देखे थे ओवर, हाई एरियाज, अब देखते हैं फ्लैट एरियाज। पहले हाई देखिए, नाउ फ्लैट एरियाज, वी यूजुअली प्रीफर अक्रॉस टू से ऑन और टू द अदर साइड ऑफ अ फ्लैट एरिया और सरफेस। अगर कोई फ्लैट एरिया होती है, सेम सरफेस होती है, फॉर एग्जाम्पल, उस टाइम में हम क्या यूज करते हैं, अक्रॉस को यूज करते हैं ठीक है, ओवर को नहीं यूज करते हैं एक्चुअली। ओवर कहाँ यूज होगा, हाई एरियाज में। जस्ट लुक एट दीज एग्जाम्पल्स ओवर हियर। नंबर वन, ही वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड, राइट, ही वॉक अक्रॉस द फील्ड, वो खेत में से जा रहा है, खेत में से जा रहा है, तो सेम सरफेस है ठीक है। जब सेम सरफेस आएगी तो आप अक्रॉस को यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये और ये दोनों सरफेस सेम है, इसके लिए यहाँ पर हम अक्रॉस को, ये फील्ड में से जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर ये जो हमने इसके पहले देखे थे हाई एरियाज के लिए ओवर, वो नहीं आएगा। सेम एग्जाम्पल है, शी ड्रू अ लाइन अक्रॉस द पेज, आप पेज पर एक लाइन खींचते हैं, अक्रॉस द पेज, राइट, नॉट ओवर द पेज, ओवर दिस वन ठीक है, अक्रॉस दिस वन। सो सिमिलरली ये लाइन आपने खींची यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सेम सरफेस है, इसके लिए यहाँ पर हम अक्रॉस को यूज करेंगे, राइट। नेक्स्ट नंबर थ्री, अ सर्ज ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड अक्रॉस हिज फेस, ठीक है, ये आपका फेस हुआ, ये फेस है आप सर्ज ऑफ हैप्पीनेस ठीक है, खुशी की लहर दौड़ गई अक्रॉस हिज फेस ठीक है। यहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऐसा है,
तो इसलिए यहाँ पर ये आपका फेस है और ये सर्ज हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर जो इसके पहले हमने ओवर देखे थे, इसके अंदर क्या होता है, हाइट लेते हैं, ठीक है। सो इन दिस वे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाई एरियाज एंड फ्लैट एरियाज एंड अक्रॉस एंड ओवर। इसके बाद हम अगली एग्जाम्पल्स देखते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम अक्रॉस एंड थ्रू इसका डिफरेंस देखते हैं कि इनमें क्या होता है। बहुत बार क्या होता है, थ्रू को यूज़ करते वक्त हम बहुत बार कन्फ्यूज होते हैं कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि थ्रू मतलब इसको तीन डायमेंशन लगते हैं, तीन साइड्स, उस वक्त आप थ्रू रहेगी, राइट है। बट अक्रॉस एक सरफेस पर रहेगा, सिर्फ सीधा सीधा आप उसके ऊपर से जाएगी। सो यहाँ पर द डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस एंड थ्रू इज लाइक द डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड इन, राइट। अक्रॉस मीन्स ऑन, राइट, एंड एक्चुअली थ्रू मीन्स उसके अंदर से, मतलब तीन डायमेंशन रहेंगे उसको। थ्रू इज यूज फॉर अ मूवमेंट इन अ थ्री डायमेंशनल स्पेस विद थिंग्स ऑन ऑल साइड्स। थ्रू का यूज करते हैं हम, थ्रू ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पर तीन डायमेंशन होते हैं और उसके आजू बाजू में सब चीजें होती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि मैं जंगल में से गुजरा, जंगल में से जब आप गुजरते हो तो तीन डायमेंशन होते हैं और ओपन स्पेस होती है, उसके बीच में सब आप जो जब जाते हैं तो आप सब झाड़ों में से बीच में से जाते हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, सब तरफ से ट्रीज होते हैं उसके बीच में से आप जा रहे हो तो थ्रू कर रहे हैं आप। लेकिन आप अगर डेजर्ट्स में जा रहे हैं तो आप उसमें से थ्रू नहीं रहेंगे, आप उसमें से क्या रहेंगे, उसमें आप अक्रॉस रहेंगे, ऊपर सरफेस से जाएंगे। लेट्स हैव द एग्जांपल्स। नंबर वन, आई वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, आई वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है, मैं जंगल से गुजरा। तो फॉर एग्जाम्पल ये है, ये पूरा फॉरेस्ट है और ये आप यहाँ से गुजरे, मतलब तीन डायमेंशन, वन टू थ्री, ठीक है। ये आप जब ये दरख्तों के बीच में से गुजर रहे हैं, दैट इज थ्रू नॉट अक्रॉस। अदरवाइज कंफ्यूज होता है कि जंगल, आई वॉक्ड अक्रॉस द फॉरेस्ट और आई वॉक थ्रू द फॉरेस्ट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो कहाँ अक्रॉस लिखना और कहाँ पर थ्रू लिखना, इसमें कन्फ्यूज होता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस के थ्रू के लिए थ्री डायमेंशंस और अक्रॉस इज जस्ट सरफेस ऑन, जैसे यहाँ पर लिखा है ऑन और इन, अक्रॉस मीन्स ऑन एंड थ्रू मीन्स इन, ठीक है। वी ड्रोव अक्रॉस द डेजर्ट, यू नो डेजर्ट, रेगिस्तान, रेगिस्तान में कोई झाड़ नहीं होता है, कोई दरख्त नहीं होता है, कोई पेड़ नहीं होता, सिर्फ एक सरफेस होती है। तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर थ्रू नहीं बोलेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, अक्रॉस। सी यहाँ पर देखिए, ये डेजर्ट है और ये इसके ऊपर से आप गुजरे पूरे के पूरे, ये एक सरफेस पे से आप गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेजर्ट, अक्रॉस द डेजर्ट, बियॉन्ड द लाइन, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल, वी ड्रो थ्रू सेवन टाउन्स, जब टाउन्स में से आप जा रहे हैं, इसमें से कोई गांव में से जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आप तीन डायमेंशन होते हैं, साइड से बिल्डिंग्स होती है, एक सड़क जाती है, जिस तरीके से फॉरेस्ट है, तो सिमिलरली ये टाउन है और ये टाउन में से आप यहाँ गुजर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे थ्रू द टाउन बोलना पड़ेगा, राइट, ना कि आप यहाँ पर अक्रॉस द टाउन बोलेंगे, ठीक है। सो इन दिस वे ये क्रॉस एंड थ्रू के अंदर डिफरेंस होता है इन देयर यूसेज, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस और आने वाले एग्जामिनेशन में जब भी आप, अगर एग्जामिनेशन में से क्वेश्चंस आते हैं तो बस ये देखिए कि थ्रू आपको कहाँ लेना है, कि अगर वो सेंटेंस बता रहा है कि तीन डायमेंशन तो थ्रू, सरफेस बता रहा है तो अक्रॉस, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये जो आज एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ देगा आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।